कस्बा में कोरोना वायरस को देखते हुए आस्था जन कल्याण समिति के सचिव पूजा पुष्प के नेतृत्व में कस्बा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 महादरी टोला में गरीब परिवारों को आलू प्याज मास्क सैनिटाइजर साबुन का वितरण किया गया। सचिव पूजा पुष्प ने कहा कि गरीब परिवारों को मदद करना ही मेरा मकसद है और लगातार इस एनजीओ के माध्यम से हम लोगों के मदद के लिए सामने आते रहेंगे। इस महादरी टोला के लगभग 500 लोगों को आज राहत सामग्री बांटी गई है। वहीं आस्था जन विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष गासिया प्रवीण ताज ने कहा कि गरीबों का सेवा करना सबसे बड़ा मकसद है। लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है उसी दिन से हमारी टीम हर जगह जाकर गरीब लोगों को राहत सामग्री दे रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने आस्था जन विकास कल्याण समिति के सारे टीम को बधाई दी। क्या आप लोग का ये संस्था का क्या नाम है? हमारे संस्था का नाम आस्था जन कल्याण विकास समिति। आप लोग समाज के हित में क्या करना चाह रहे हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं, कोरोना वायरस से खाने के लिए मोहताज है, उन लोगों के लिए क्या आप लोग की सोच है? उन लोगों की आर्थिक मानसिक हर तरह से मदद करना चाहते हैं, उन लोगों में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने कई दिनों से प्रचार प्रसार भी किया है। आप लोग गरीब लोगों का भी जो वितरण किए क्या कह दिए? हम लोगों ने मास्क सैनिटाइजर साबुन और 2 kg प्याज और आलू। आगे कब तक ये चलेंगे कार्यक्रम? आगे अभी कुछ दिन और चलेंगे। कोरोना वायरस का जो महामारी फैला है भारत में जी, उसको इस गरीबों के मदद के लिए हम लोग ये वितरण कर रहे हैं। ये किसके माध्यम से वितरण किया जा रहा है? आस्था जन कल्याण समिति की ओर से वितरण किया जा रहा है। अच्छा, किन किन लोगों को दिया जा रहा है ये सामान? जो गरीब हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें लोग को दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या आप लोग दे रहे हैं? आलू प्याज है, सैनिटाइजर है, साबुन है। अभी कितने लोगों को दिए हैं? 600 लोग को दिया गया है। देख रहे हैं SGN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।